हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड वी डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो आज काफी ज्यादा वोलेटिलिटी में देखने को मिली है। निफ्टी ऊपर खुला, गैप अप खुला, फिर एक बड़ा शार्प फॉल हमें देखने को मिला, और फिर सेकंड हाफ में एक लो से वापस शार्प रिकवरी भी हमें देखने को मिली। और आज के दिन में जो कैंडल फॉर्म हुआ, ये हाई वेव कैंडल है। हाई वेव कैंडल मतलब काफी ज्यादा वोलेटिलिटी वाला कैंडल है ये। अब इसका हाई लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 10014 एंड 11867। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक दो दिन मार्केट इस रेंज में रह सकता है, 100-150 पॉइंट की रेंज में एक दो दिन थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, फिर एनी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। तो आपको आज के दिन का जो डे हाई है और आज के दिन का जो डे लो है, ये आप नोट डाउन कर लो बुक में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। मार्केट एक बड़ा मूवमेंट दिखा सकता है अगर आज का लो टूटता है या अगर आज का हाई टूटता है। तो सेम स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में भी हाई वेव कैंडल बना है, आप देख सकते हो। इसमें भी आज का हाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 24,217। अगर ये क्रॉस करता है तो वापस ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, और अगर इसका लो टूटता है तो एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। आज जो वोलेटिलिटी हमें देखने को मिला है, ये जो कैंडल फॉर्म हुआ, ये कैंडल का नेचर ही ऐसा है कि मार्केट अब मुझे लगता है ये रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है, एक दो दिन साइडवेज रह सकता है 23,500 से लेके 24,200 के बीच में। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको आज टेलीग्राम चैनल में ग्रासिम सेल दिया था 742 के नीचे, ये ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस ही था। मैंने आपको डीवी स्लैब सेल दिया था 3180 के नीचे, इसमें ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हुआ है, क्योंकि अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखो, ये ओपन यहाँ पर और उसके बाद एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला है 3150 तक, और 3150 का मैंने टारगेट दिया था, 3150 का लो बनाया इसने। तो इसमें आपको इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हुआ है। और हीरो मोटो जो मैंने बाय दिया था, इसमें बाय लेवल ट्रिगर नहीं हुआ। एज पर रूल हम लोग 915 का कैंडल क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, राइट। तो 3340 के ऊपर इसने हाई जरूर बनाया, लेकिन ये 915 का कैंडल है, तो हम लोगों ने इसको अवॉइड किया है। हीरो मोटर में हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो आपको डिविस लैब में इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा, और ग्रासिम ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस था। अब डिस्कस करते हैं कल के दिन में आपको कौन से स्टॉक्स में ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला स्टॉक होगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखो, एक क्लीन एंड क्लियर डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है इसमें, और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ आज हमें सेलिंग देखने को मिली है। मुझे लगता है इसमें अगर फॉलो थ्रू सेलिंग आता है तो एक शार्प करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी काफी अच्छी करेक्शन हमें देखने को मिली है, और मुझे लगता है यहाँ से और करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये 900 के नीचे सस्टेन करता है तो वापस हमें एक और एक रेड कैंडल हमें देखने को मिल सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। लास्ट स्टॉक होगा एसीसी बाय। एसीसी स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है मुझे बाइंग के लिए, क्योंकि अगर आप देखो लास्ट 3 दिन का कैंडल जो है वो ये 15.20, 15.30 के आसपास अटक रहा है। अगर ये एक बार लेवल क्रॉस करता है 15.25, 15.30, तो एक 40-50 रुपए का आपको हमें देखने को मिल सकता है। तो एसीसी काफी अच्छा बाय रहेगा। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट।